हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उत्तराखंड ट्रैवल टूरिज्म। तो जैसे कि आपको पता है, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और हमारे कुंजा विलेज में बर्फ़ पड़ने का मौसम शुरू होने लगा है। तो हम आपको बताएंगे आज के व्लॉग में कि क्या क्या तैयारियां गांव वाले करते हैं बर्फ़ ठंड से बचने के लिए। तो हमारा गाँव कुंजा बहुत ही सुंदर लगता है जब यहाँ पर बर्फ़ गिरती है। तो अभी जितना सुंदर ये लग रहा है, इसकी जो ब्यूटी है वो चार गुना बढ़ जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे ठंड के और स्नोफॉल के मज़े लेने हैं तो आप यूटीटी विलेज होम स्टे में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है कि ये लकड़ियाँ यहाँ पे, अभी हमारी चाची आ रही थी लकड़ी लेकर, तो ये लकड़ियाँ जंगल से बिन के लाया जाता है क्योंकि लकड़ियाँ काटना अलाउड नहीं है। तो इनको यहाँ पे रखा जाता है और सर्दियों के लिए यूज़ किया जाता है ताकि सर्दियों में ठंड ना लगे। आइए मैं आपको, जो ये बना हुआ है इसको लूटा बोलते हैं और ये पिरामिड शेप का बनाया गया है कि इसके अंदर पानी ना जाए। ये पशुओं का आहार है हमारे, जैसे लोग अपने लिए कुछ राशन इकट्ठा करते हैं उसी लिए इसी वैसे ही हम लोग जानवरों के लिए भी उनका आहार इकट्ठा करते हैं, उसी के अंतर्गत ये आता है। ये कीड़ा ना हो इसलिए ऐसा बनाया गया है। चलने के लिए बूट्स वगैरह पहनते हैं या शूज़ पहनते हैं, तो उसके बाहर के लिए ये एक कवर है। ये है एंटी स्लिप वाटरप्रूफ शू कवर। तो आप पहन के भी दिखाएंगे इसको एक बार? तो अभी तो मैंने शूज़ नहीं पहने हुए हैं, बट मैं पहन के दिखाती हूँ इनको कैसे पहनेंगे। इससे होता क्या है कि आप अगर बर्फ में चलेंगे तो आप फिसलेंगे नहीं पहली बार और ठंड नहीं लगेगी। तो ये यहाँ पे आप बच्चे देख रहे हैं, बच्चों से पूछते हैं कि वो मतलब जब बर्फ पड़ती है तो उनकी क्या प्रिपरेशन होती है, बताओ बच्चों। कान और मुंह सब चीज हमने खरीद लिया है। कान और मुंह खरीद लिया है? ढकने वाला खरीद लिया। अच्छा, कान की पट्टी भी खरीद ली है क्या? अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या खरीदा है? सूज। सूज खरीद लिए और जैकेट। जैकेट खरीद लिए। तो सूज हम दिखाएंगे कि बच्चे और बड़े यहाँ जब बर्फ पड़ती तो किस प्रकार के सूज पहनते हैं। तो जैसा कि बच्चों ने अभी सूज की याद दिलाई थी, तो आपको हम बूट दिखाने जाते हैं सर्दियों में लोग यहाँ क्या पहनते हैं। ये हमारी भाभी जी भी यहाँ पे हैं। भाभी जी, आप क्या प्रिपरेशन करते हैं सर्दी में? घास, सूतर, सगड़, लकड़। अच्छा, ये आप सारी चीज रेडी करती हैं। हाँ। आपने तो मतलब ऐसे बता दिया जैसे हमने आपको अभी बोला कि आपको बोलना है, बिल्कुल मस्त तरीके से, जबकि हमने बोला नहीं था। आई थिंक ये हमारी वीडियोस देख रही थी, अभी हम यहाँ इधर आसपास में बना रहे थे तो शायद इनको मतलब बहुत थोड़ा टाइम मिल गया कि प्रिपरेशन करने का, इन्होंने खुद ही प्रिपरेशन कर लिया शायद। चलो बढ़िया है। ये देखिए, हम नीचे बूट देखने जा रहे थे तो बूबू जी भी हमें मिले। सर्दियों की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। बूबू जी, आपने सर्दियों की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या किया है? मैं अपनी सर्दी के लिए लकड़ी इकट्ठी किए हैं, लकड़ी बना रहा हूँ ये। हाँ हाँ। और हमारी उम्र इस समय 37 साल हो गई है।
हैं। और बुबू जी, सुनने में आता है कि आप अभी सुबह सुबह 5-6 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाते हैं। हाँ यार, सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद फिर ठंडे ही पानी से नहाता हूँ अभी में भी, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत संध्या पूजा कर लेता हूँ। चलो बढ़िया है बाबूजी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या करना है और सुना, और आपके क्या हो रहे हैं? बस अभी हम ऐसे ही घूम रहे थे, थोड़ा वीडियो बना रहे थे सर्दियों की प्रिपरेशन वाली। हाँ, ये हमारी चाची जी हैं। चाची जी, आपने कुछ प्रिपरेशन किया है क्या सर्दियों के लिए? हाँ, लकड़ियाँ इकट्ठा की हैं। और घास रखा है। घास रखा है, अच्छा, बढ़िया बढ़िया। देखिए अभी आपको दिखाते हैं हम बूट। ये देखिए मंदिर भी देखिए आप, कुंजा विलेज में ये मंदिर स्थित है, हर सैम देवता। ये देखिए हमारी भाभी जी। अब जी, जैसे सर्दी अभी स्टार्ट हो गई है, तो आपने क्या क्या प्रिपरेशन कर रखी है सर्दी के लिए? सर्दी के लिए? हाँ, क्या कहूँ, अब आग सेक रहे हम। अच्छा, मूंगफली खा रहे हैं। मूंगफली भी खा रहे हो? हाँ। मूंगफलियाँ इकट्ठी कर ली हैं? बिल्कुल। कितना कितना कोटा इकट्ठा कर लिया, 1-2 महीने का? हाँ। अच्छा, आप भी हाँ हाँ। आदि, आपने क्या क्या प्रिपरेशन कर ली है? भैया, हम स्कूल की प्रिपरेशन करने में रहते हैं, ठंड की क्या करें, फिर भी कपड़े वपड़े ले लिए। कपड़े ले लिए? हाँ। चलो बढ़िया यार, विजय भी गया था। हाँ, विजय सिंह आ गए हैं बूट लेके। ये जो यहाँ बर्फ में बूट पहने जाते हैं, ये थोड़ा ऊपर तक है, क्योंकि यहाँ इतने ऊपर तक बर्फ गिरती है, तो इससे पहन के दिखाएंगे विजय, इसलिए हमें ठंडा नहीं लगता फिर पाँव में, इतने ऊपर तक बर्फ गिरती है। ये देखिए, थोड़ा चल के भी दिखाइए। बर्फ में मतलब इनके अंदर पानी नहीं जाता, इसलिए ये खरीदे जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आग जलाई जाती है, और ये जो आप देख रहे हैं इसको सगड़ बोलते हैं यहाँ पे, ये स्पेशली आग जलाने के काम आता है। और ये आप लगा लीजिए कि ये पहाड़ों में हीटर का काम करता है। और एक बार ठंडे में इसके सामने बैठ जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता हो ना। और विजय बोल रहे हैं कि एक बार यहाँ पे ठंड में आप इसके पास बैठ जाएंगे तो फिर उठने का भी मन नहीं करता। इसके साथ होनी चाहिए मूंगफलियाँ, रबड़ी, पकौड़ी, चाय, आप इसके साथ बैठ के आनंद ले सकते हैं। विजय, इसके अलावा बर्फ में, बर्फ के टाइम के लिए और क्या प्रिपरेशन होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जानवरों के लिए घास रखी जाती है, वैसे हम लोगों ने अपने लिए राशन रखा है अंदर। हाँ, ये राशन भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए हमारी दीदी है, इन्होंने पूरा मतलब राशन भरे हुए हैं, बोरे के बोरे। ये देखिए आप, इसमें दीदी क्या क्या है? इसमें गेहूं, हाँ हाँ, आटा, हाँ हाँ, मडवे का आटा, और चावल, और यही है राशन, यही दाल यहाँ है, और दाल भी ये पूरा 2-3 महीने का ये कोटा इन्होंने रखा हुआ है। तो दोस्तों, यही हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। और एक चीज़ जो आपको और दिखानी थी वो था मसाला, तो उसके क्लिप हमारे पास पुरानी वाली पड़ी है, 1 महीने पहले जब बर्फ से पहले लोग यहाँ पे धूप में उसको सुखाया करते हैं, क्योंकि 1 महीना पहले अच्छी धूप आती है, उसके बाद तो फिर जैसा आज आपने मौसम देखा है उसी तरीके का होता है, तो वो क्लिप हम दिखा देंगे। और आप कहीं से भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहाँ से वीडियोस देख रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हमने कुछ मिस कर दिया है सर्दियों में की सर्दियों के प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।
और इसी के साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई साहब दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम चंद्रमोहन सिंह नेगी है, तो उन्होंने ही हमें ये टाइटल बताया था कि यार आप इस तरीके की वीडियोस भी बना सकते हैं। तो ये टाइटल जो आज हम वीडियो बना रहे हैं ये उन्होंने ही हमें बताया था। इसके अलावा आप भी हमें कोई भी अगर आपको लगता है कि इस तरीके से कोई कंटेंट बन सकता है तो आप ज़रूर वीडियो का हमें टाइटल बताएं, तो हम ट्राई करेंगे कि उसमें हम वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, थैंक यू।